नमस्कार दर्शकों, प्रणाम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सोर्स रहने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विषय में। क्या ये कोई स्कैम है या फ्रॉड है या फिर कोई कॉन्स्पिरसी? क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ या विवेक बिंद्रा खुद कोई स्कैम कर रहे हैं? क्या होने वाला है भविष्य? ज्योतिष के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर और साथ ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या विवेक बिंद्रा की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है जिसके कारण उनके जीवन में ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है? क्या उनका कैरियर खत्म हो जाएगा? क्या उनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाएगा? विवेक बिंद्रा से जुड़े हुए लाखों युवाओं का भविष्य भी क्या अंधेरे में चला जाएगा? इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ हम नहीं है, ना ही हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की साथ खड़े हैं। हम निष्पक्ष रूप से ज्योतिषीय आधार पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और भविष्य में क्या रखा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए, इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। YouTube पर विवेक बिंद्रा के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, Instagram पे 40 लाख जितने फॉलोअर्स हैं। तो हम जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। खुद मैंने उनके वीडियो कई बार देखे हैं और मैं इनसे प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन मैं इनसे जुड़ा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फेक या एग्जागरेशन मुझे अवश्य ही देखने को मिलता है इनकी वाणी में और इनके नेटवर्क में, इनके प्रोपोगेंडा में। इनकी जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं पाश नामक नाभास योग बना हुआ है इनकी जन्म कुंडली में, जिसका स्पष्ट संकेत है कि ये व्यक्ति वाणी चातुर्य से संपन्न होगा, वाणी विलास करेगा, लेकिन कैरेक्टर में कहीं ना कहीं ढीला होगा और इसको जेलवास हो सकता है। बिल्कुल, तो ये वही समय स्पष्ट हो रहा है। लेकिन गोचर की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राहु का गोचर शुरू हुआ है मीन राशि में और विवेक बिंद्रा की जन्म कुंडली में सूर्य देव और बुध मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और बुध दोनों के ऊपर राहु का ग्रहण शुरू हुआ है। सूर्य अर्थात तेज, आभा, आबरू, इज्जत। तो संसार में, समाज में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो इज्जत है ऊपर तो लांछन लग ही गया। बुध अर्थात वाणी, बुध अर्थात बिजनेस, बुध अर्थात बुद्धि, उसके ऊपर भी ताला लग गया। कुछ तो ऐसा काम किया विवेक बिंद्रा ने कि उनके व्यापार पर ग्रहण लग गया। उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए जिनके कारण उनके व्यापार, उनकी इज्जत पे लांछन लगा है। ये जल्दी मिटने वाला नहीं है। कम से कम अगला 1.5 साल जब तक राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे तब तक ये परिस्थिति बनी रहेगी। लेकिन राहु का गोचर जून 2025 में कुंभ राशि में जाएगा, तब परिस्थितियां बदलेगी। कितनी बदलेगी, क्या बदलेगी, आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही यहां पर समझने की बात है, इनकी कुंडली में चंद्रदेव सिंह राशि में बैठे हैं, तो एक अथॉरिटी उनके व्यक्तित्व में, उनके वाणी में, उनके विचारों में स्पष्ट दिखती है। सूर्यदेव मीन राशि में बैठे हैं, इस कारण न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उनका रुतबा, इज्जत है। परंतु चंद्र राशि के स्वामी सूर्यदेव चंद्र से अष्टम स्थान में बैठे हैं और सूर्य राशि के स्वामी गुरुदेव वो सूर्य से अष्टम स्थान में बैठे हैं, और अष्टम स्थान अचानक लाभ, अचानक नुकसान, वाद विवाद, इन सभी चीजों का प्रतीक है। तो इसीलिए विवेक बिंद्रा के जीवन में बहुत सारे वाद विवाद होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम विवेक बिंद्रा की कुंडली को और ध्यान से देखें तो सूर्य कुंडली में पराक्रम स्थान, निवेश स्थान,
व्यापार स्थान का स्वामी शुक्र द्वादश स्थान में बैठा है, जो सूचित करता है बिजनेस व्यापार में निवेश में बहुत बड़ा घाटा लॉस इनको होना तय है और अभी हम उसी दिशा में देख रहे हैं। विवेक बिंद्रा को अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा पेनल्टी के रूप में या रिफंड के रूप में चुकाना पड़ सकता है। तो जो भी विवेक बिंद्रा के साथ जुड़े हैं, रिफंड के लिए तरस रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा, रिफंड मिलेगा, कुछ न कुछ तो आपको अवश्य ही वापस मिलेगा। साथ ही अगर विवेक बिंद्रा की चंद्र कुंडली देखें तो चंद्र कुंडली में धनस्थान का स्वामी धनेश अष्टम स्थान में बैठा है, ये भी सूचित करता है कि जो भी कमाई इकट्ठी कर रहे हैं विवेक बिंद्रा, उसको संचित करने में इनको परेशानी होगी, संचित धन का नाश होगा। तो जो भी कमाई इकट्ठा की है उन्होंने अपने व्यापार से, बिजनेस से, जिस भी तरीके से, उसका काफी सारा हिस्सा उनका उनके हाथ से चला जाएगा और वो हम आगे आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। साथ ही यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विवेक बिंद्रा की जो नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली में अंगारक दोष और लक्ष्मी ग्रहण दोष बना हुआ है। अंगारक दोष के विषय पर हमने अपनी YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं और स्पष्ट रूप से कहा है अंगारक दोष अवश्य ही लड़ाई झगड़े मार पीट फसाद लड़ाई फसाद करवाता है और यही हमने देखा है। नवांश कुंडली रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है, वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े मार पीट न सिर्फ अभी दूसरी पत्नी के साथ लेकिन प्रथम पत्नी के साथ भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा और ये उनकी जन्म कुंडली में स्पष्ट दिखता है। विवेक बिंद्रा ने बहुत सारे लोगों को बिजनेस कंसल्टेशन दिया होगा, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, लेकिन उन्होंने ज्योतिषियों से शायद कंसल्ट ठीक से किया नहीं होगा या फिर ज्योतिषियों का मार्गदर्शन नहीं लिया होगा, अन्यथा आज ये परिस्थिति नहीं आती, अंगारक दोष का निवारण अगर उन्होंने करवाया होता। लक्ष्मी ग्रहण दोष भी संकेत देता है कि जो धन संपत्ति वो अर्जित करते हैं वो टिकेगी नहीं उनके पास, वो हाथ से फिसल जाएगी, चली जाएगी। लक्ष्मी नारायण योग है, बहुत धन संपत्ति अथा धन संपत्ति वो कमाते हैं, लेकिन लक्ष्मी ग्रहण दोष ये इनके लिए नवांश कुंडली में अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि इनकी कुंडली में अधियोग बना हुआ है, अधियोग अर्थात बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन पर ले जाता है धन संपत्ति प्रतिष्ठा वैभव और मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाता है और ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन जो ग्रह दोष है ग्रह दोष का निवारण इन्होंने शायद नहीं करवाया है और इसी कारण उसका प्रतिफल वो भुगत रहे हैं। तो क्या ग्रह दोषों के कारण उनकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह योग बने हैं उसका फल संपूर्णतया खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनका जो बुद्धि चातुर्य है वो उन्हें मदद करता रहेगा। राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जून 2025 में और गुरुदेव मई 2025 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद फिर से विवेक बिंद्रा का व्यक्तित्व निखरने लगेगा, फिर से वो करिश्मा उनका जादू उनका लोगों के ऊपर चलने लगेगा, फिर से वो कमबैक करेंगे, फिर से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और फिर से वो धन संपत्ति वैभव प्राप्त करेंगे। लेकिन उनको अपने कुछ वाणी विलास को संयमित करना होगा। जैसे वो कहते हैं 10 डे एमबीए कोर्स, 10 दिन में एमबीए करवा देंगे, तो फिर एमबीए कराने वाली इतनी सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का क्या, जो 2 साल का कोर्स होता है, क्यों लोग 2 साल का कोर्स करते हैं, क्यों लोग लाखों रुपए की फीस भरते हैं? सिर्फ 50,000 की फीस लेकर के जो कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा करवाते हैं, क्या उससे व्यक्ति हर महीने लाखों रुपया कमा सकता है? यह महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि एमबीए की डिग्री तो विवेक बिंद्रा दे नहीं सकते, विवेक बिंद्रा की कोई अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो, नहीं है, तो फिर वो एमबीए की डिग्री कैसे दे सकते हैं? तो ये इल्लीगल है।
दूसरी चीज, अगर 10 दिन में कोई कोर्स कर ले एमबीए का तो 2 साल क्यों बताए? वास्तव में कोई भी ज्ञान अर्जित करना इतना आसान नहीं होता। इंफॉर्मेशन तो आसानी से आप ले सकते हैं, बिल्कुल। 10 दिन के एमबीए कोर्स में विवेक बिंद्रा लोगों को बीबीए एमबीए का सारा इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन से, अपने मटेरियल से, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को समझना, आत्मसात करना, उसको नॉलेज के रूप में सम्मिलित करना अपने अंदर, अपने दिमाग में, और उसका प्रयोग करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त करना, वो आसान नहीं है। लोग एमबीए करके अनेक सालों तक नौकरी करने के बाद भी खुद अपना बिजनेस चलाने के काबिल नहीं बनते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 10 दिन के एमबीए से कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, एमबीए की डिग्री भी नहीं मिलने वाली है, और ना ही कोई मिलियनेयर बिजनेसमैन बन सकता है। तो इनके दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि उन्होंने कई बार कहा है कि अगर आप महीने में लाखों रुपया नहीं कमा सकेंगे अपना कोर्स करके, विवेक बिंद्रा का कोर्स करके, तो वो सारी फीस रिफंड कर देंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई है कि उन्होंने फीस रिफंड नहीं की है। मैं ज्यादा किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, मेरा कोई डायरेक्ट टच नहीं है, इसलिए मुझे डिटेल्ड में पता नहीं है। लेकिन अगर वो फीस रिफंड करते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फीस रिफंड नहीं करते हैं और यंग लोगों की जीवन उनकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये बहुत ही बुरी चीज है, इससे बचना होगा। और इनकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ बुध ये सूचित करता है कि व्यापार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इनकी है, बुद्धि चातुर्य तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता ये निकालते हैं और ये सही नहीं है। और हम जानते हैं लाखों लोग एमबीए करके छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उनको महीने में लाखों, क्या महीने में 40-50 हजार की सैलरी प्राप्त करना भी मुश्किल होता है वहां पर। यहां 10 दिन का एमबीए करके, विवेक बिंद्रा का कोर्स करके अगर कोई महीने में 10 लाख कमाने लगे तो ये तो एक सपने की ही बात है। और यही सपने दिखा करके लाखों लोगों को विवेक बिंद्रा ने अपने साथ जोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं तो भ्रमित करने की बात है। और दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो पब्लिक को भ्रमित करके पॉपुलर हो जाते हैं। हम विवेक बिंद्रा जी के लिए भी गुड विशेस रखते हैं और आशा रखते हैं कि वो माल प्रैक्टिस बंद करके अपने लाखों फॉलोअर्स, अपने लाखों चाहने वालों को निराश नहीं करेंगे। जो बच्चे रिफंड की आशा रखते हैं उन्हें वो रिफंड प्रदान करेंगे और उनका भविष्य फिर से सुधरेगा, वो फिर से अपनी खोई हुई इज्जत, फिर से अपना सुकून शांति प्राप्त करेंगे। क्या आपने विवेक बिंद्रा जी के किसी कोर्स में पार्टिसिपेट किया है? क्या आपने विवेक बिंद्रा जी को फीस पे करके उनके साथ जुड़े हैं? क्या आपके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है? क्या आप भी रिफंड पाने की आशा रखते हैं? आपका विवेक बिंद्रा जी के प्रति क्या प्रतिभाव है? वो वीडियो में कमेंट करके अवश्य दीजिए। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम।